राधे राधे मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होगे, मजे में होगे, खुश होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो पिज़्ज़ा को देख करके आ गया ना मुंह में पानी। पिज़्ज़ा एक ऐसी डिश है कह लीजिए, जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस से, जो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस आता है उससे पिज़्ज़ा। इससे ये झटपट से बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा तामझाम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर कोई बना सकता है, बिगनर्स भी बना सकते हैं जिन्होंने कभी भी पिज़्ज़ा पहले नहीं बनाया है। तो इसके लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, आपके पास जो भी सब्जियाँ हो वो ले लें। और ये मैंने एक रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया है, ये 25 से 30 रुपये में आपको हर एक जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। तो मैं इसमें पिज़्ज़ा बेस में कुछ फॉक से ना कुछ छेद कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा, ये फूलता नहीं है जब हम बनाते हैं, क्योंकि ये तो एक बेस है। अगर हम इसको बनाएंगे जब इसका पिज़्ज़ा, तो ये फूल जाएगा रोटी की तरह। तो छेद करने से ये फूलता नहीं है। इस पर मैं थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। तो इस पर अच्छे से फैलाते हुए लगा लूँगी, बस कोनों पर नहीं लगाऊँगी, क्योंकि क्या है जब हम इसको पकाएंगे ना, तो अगर हमने कोनों पे लगा दी तो वो नीचे मेल्ट होकर के आएगी। थोड़ी सी मैं इस पर काली मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो इस पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना जो पिज़्ज़ा में डालते हैं, वो वाली भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो अभी काली मिर्च ही डाली है। और थोड़ी सी मैं इसमें चीज़ डालूँगी, मेरे पास यही वाली चीज़ थी स्लाइस, आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ डाल लीजिए वो मेल्ट ही होनी, और मेल्ट होकर के वो सारी एक जैसी ही होगी। तो मेरे पास यही है, मैं इसको अच्छे से पूरे में फैलाते हुए डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर और टमाटर डाल रही हूँ। आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हैं आप वो डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। सब्जियाँ तो कोई भी हो भाई, पिज़्ज़ा में तो बच्चे भी खा लेते हैं, वैसे नखरे करेंगे लेकिन पिज़्ज़ा में तो टेस्ट के साथ खाते हैं। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद में मैं इस पर ऊपर से एक चीज़ स्लाइस और डाल दूंगी, छोटा छोटा तोड़ तोड़ करके, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बने, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ होता है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी लगता है। आप चाहें तो एक ही चीज़ का स्लाइस इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि चीज़ का टेस्ट तो आ ही जाता है। थोड़ा सा मैं ऊपर से इसमें ओरिगैनो पाउडर डालूंगी, क्योंकि ये तो मेन होता है, मतलब ओरिगैनो पाउडर के बिना तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैंने नमक डाल करके कढ़ाई में रख दिया था, फ्लेम बिल्कुल ही कम रखा था, और 10 मिनट के लिए, 10 मिनट हो चुके हैं और नमक भी जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक कटोरी रखूँगी, कटोरी को उल्टा करके रखूँगी, और एक प्लेट में मैंने जो पिज़्ज़ा को बनाया है, तैयार किया है, इसको मैं रख दूँगी, और ढक करके फ्लेम बिल्कुल ही कम करके मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ूँगी। तो 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था, लेकिन चीज़ जो है पूरी अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हुई थी, तो 25 मिनट तो हो ही गए थे। तो 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं चीज़ पूरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और जो पिज़्ज़ा हमारा है बन करके तैयार हो गया है। तो बस झटपट से बन जाता है, और ओरिगैनो पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई ओरिगैनो पाउडर पूरा भरा भरा अच्छा लगता है, खूब सारा डाल करके तभी जो है टेस्ट आता है। और पिज़्ज़ा को हम कट कर लेंगे, इसके स्लाइसेस काट लेंगे, और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल ही तैयार है खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चीज़ी बना है, और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप झटपट से घर पे बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता, जैसे कि हम लोग बाहर जा कर के जो 400-500 तक का भी खाते हैं, बस 25 से 30 रुपये में जो बेस है पिज़्ज़ा का वो आएगा। और चीज़ आप बस एक स्लाइस, दो स्लाइस भी डाल सकते हैं, सब्जियाँ ऑप्शनल हैं, टमाटो सॉस डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।